ॐ श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ मंगलमूर्तये नमः। ॐ विघ्नहर्त्रे नमः। ॐ मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि, सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे बलमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नान्यास्प्रिया रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवा नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रूपुङ्गव निर्भराम्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। आइए हम आज वास्तु दोष की शांति के लिए, वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए वास्तु पूजन करने जा रहे हैं। देखिए हम जिस घर में रहते हैं तो यदि वो मकान वास्तु के, वास्तु शास्त्र के मुताबिक न बना हो तो क्या होता है, वास्तु दोष के होने से अनेक परेशानियां आती हैं, बनते काम में अड़चने, परिवार में अशांति, कारोबार में विघ्न बाधाएं, बच्चों की पढ़ाई में अड़चने, पारिवारिक जीवन में अशांति, इस तरह से अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आज हम वास्तु दोष की शांति के लिए, वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए हम वास्तु पूजन करने जा रहे हैं कि जिससे कि आपका घर का, फैक्ट्री का, दुकान का जो वास्तु दोष है वो दोष दूर हो और जो है आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो, परिवार में सुख शांति हो, कारोबार में, बच्चों की पढ़ाई में तरक्की हो, मान सम्मान यश की वृद्धि हो। इस हेतु से, इस कामना को लेकर के हम जो है आज वास्तु पूजन करने जा रहे हैं। देखिए वास्तु दोष होने से क्या होता है कि अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, इसलिए वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए हम लोग आज पूजन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आसमन प्राणायाम, गणपति का पूजन, वरुण कलश का पूजन, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी पूजन, गौरी आदि षोडश मातृका, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का पूजन पूर्वक हम लोग जो है वास्तु पूजन करेंगे। आइए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में पूजन करना है। देखिए श्रद्धा ही विद्यते देवो, देवता जो है श्रद्धा में ही निवास करते हैं, इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में पूजन करना है। ओम
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पात्रेस्मिन् सन्निधिं कुरु करं पात्रं सुसंपन्नं सुसंपन्नं आसम्य प्रणानायम योम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः स्तोप्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वास्रवावस्थांगतो पिवा यस्मरित पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचिः सर्वं शुचिः आत्मानां प्रोक्ष पूजा सामग्रीं च संप्रोक्ष। धूपो दीपः दीपज्योति प्रब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतुमी पाप बोधीप सुस्थिरो भव कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः। तिष्णदंश महाकाय कल्पान्ते दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञं दातुमर्हसि कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरुपृष्ठर्षि सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसन शोधनी विनियोगः पृथ्वी त्वया देवता लोका देवी त्वं विष्णा देवता त्वं च धारयमां देवीं पवित्रं कुरु चासनं पृथिव्यै नमः। आधाशक्ते नमः कुर्मासनाय नमः कमलासनाय नमः बरासनाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री भूम्यै नमः। अथ भूतोस्साधनमोमपसर्पन्तु ये भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते न सन्तु शिवाज्ञया पाक्रमन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारवितोम प्राच्यै नमः। ओम वाच्यै नमः। ओम प्रतीच्यै नमः। ओम उदीच्यै नमः। ओम अंतरिक्षाय नमः। ओम कर्मभूमे नमः। एवं दश दिशो रचित वासुदेवो जनार्दनः। आइए सबसे पहले अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए गणेश जी इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वास्तुदेवता सभी देवदेवताओं का आवाहन पूजन करेंगे बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में। हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनीमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातो ॐ प्रखरस्वामरुतः पृष्णिमातरः शुभं ज्यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा वद्रं पश्येमाक्षवृजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखता युर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरीधीजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्
अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्र स्वकः सुभद्रिकां कांपिलवासिनीम् सुशान्ति भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपताये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमा महेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शची पुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपताये नमः अभिघ्नमस्तु सुमुखस्थैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अपि सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नरस्तस्मै गणाधिपताये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति साम्यमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्यङ्घ्रयोगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूते दुर्वाणीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्यविभुक्तानां योगच्छेहं वहाभ्यं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रय श्रीभुवनेश्वर देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशाम जनार्दन विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आइए आप संकल्प करेंगे, आपके मन में जो कामना है, जिस निमित्त आप वस्तु पूजन करा रहे हैं, मकान की, दुकान के, फैक्ट्री के निमित्त आपने मन में स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है कि हमारा जो वास्तु दोष है, वास्तु दोष की निवृत्ति हो और सुफल की प्राप्ति हो। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। आद्य श्री ब्राह्मणंदिहे द्वितीये परार्घे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भूर्लोके वैवसवतवन्वन्तरे
भारत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्ते कदेशांतरगता इंद्रप्रस्थे भगवती यमुना देव्याः पूर्विभागे गीता कालोनी नामनी क्षेत्रे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये साधारण नामनी संवत्सरे दक्षिणायने श्री सूर्ये महामंगलप्रदमासोत्तमे मासे माघमासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य महापर्वणि अष्टम्यायां शुभपुण्यतिथौ वासराः वासरस्तो भौमवासरान्वितायां यथा यथा राशिस्थानासस्सो एवं ग्रहागणा विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राहं नामाहं। डॉक्टर रविंद्र प्रताप गुप्ता, गोत्र कौशल, नाम यास्मी, नाम राजीव, गोत्र कश्यप, नाम श्रीपद, गोत्र बिष्ट, नाम ग्रेट जीएस, गोत्र जमाद्र। मम यजमानस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थं विपुल धन धान्यादि प्राप्त्यर्थं केचिद् विरुद्धा चतुर्था अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहस्थैः संसूचितं संसूचयिष्यमाणं यः सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा एकादशस्थानस्थित शुभफलप्राप्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इन्द्रादि दशदिक्पालाः प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थम् वास्तुदोषनिवारणार्थम् आदौ गणपति वरुणकलश ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी गौर्यादि षोडश मातृका सूर्यादि नवग्रह देवतानां पूजन पूर्वकं वास्तु पूजन संकल्पमहं करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमञ्जो तेहं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिवत्सवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृपतिवत्सवो नमो नमो गृष्येभ्यो गृषपतिवत्सवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो अम्बे अम्बिके अम्बालिकेन मानयति कश्चन सशस्तसुखा सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओ गणेशाम्बिके इहागच्छ इहातिष्ठ मम पूजा वरदो भव। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अथ स्नानं पादर्पाद्यं हस्त्यर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वांगेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुस्समुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अथ वस्त्रम् उपवस्त्रं वस्त्रोपवस्त्रान्ते मंगलमय रक्तसूत्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अथ गन्धं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपावयस्यमक्षतान्। ओम अक्षतासुरा श्रेष्ठा कुंकुमार्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां। धूपं दीपं वनस्पतिरसोद्धूप गंधाभ्यो गंधोत्तम आगृह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां प्रत्यक्षदीपं
ओम चंद्रमा मनसो जातक ससो सूर्यो अजायता श्रोता द्वारस प्राण समुखादग्नि तजायता प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्श्यामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदंतरिक्षवं शिष्णोद्योः समवर्तता।